भारत में बने मोबाइल फोन, भारत में बनी कारें आज कितने ही देशों में छाई हुई है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब, इस मंत्र पर आगे बढ़ता रहा भारत, आज अपने सामर्थ्य को और बढ़ा रहा है। अब भारत ट्रांसपोर्ट प्लेन का भी बहुत बड़ा निर्माता बनेगा। आज भारत में इसकी शुरुआत हो रही है और मैं वो दिन देख रहा हूं जब दुनिया के बड़े पैसेंजर प्लेन्स भी भारत में ही बनेंगे और उन पर लिखा होगा मेक इन इंडिया। साथियों, आज वडोदरा में जिस फैसिलिटी का शिलान्यास हुआ है वो देश के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। ये पहली बार है कि भारत के डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर में इतना बड़ा निवेश हो रहा है। यहां बनने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारी सेना को तो ताकत देंगे ही, इससे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नए इकोसिस्टम का भी विकास होगा। शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित ही हमारा वडोदरा अब एविएशन सेक्टर के हब के रूप में नई पहचान लेकर के दुनिया के सामने सर ऊंचा करेगा। वैसे तो भारत पहले से ही काफी देशों में विमान के छोटे मोटे पुर्जे पार्ट्स निर्यात करता रहा है, लेकिन अब देश में पहली बार मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनने वाला है। मैं इसके लिए टाटा ग्रुप को और एयरबस डिफेंस कंपनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट से भारत की 100 से ज्यादा एमएसएमईज भी जुड़ेगी। भविष्य में यहां दुनिया के दूसरे देशों के लिए एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी लिए जा सकेंगे। यानी मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब का संकल्प भी इस धरती से और मजबूत होने वाला है। साथियों, आज भारत में दुनिया का तेजी से विकसित होता एविएशन सेक्टर है। एयर ट्रैफिक के मामले में हम दुनिया के टॉप 3 देशों में पहुंचने वाले हैं। अगले 4-5 वर्षों में करोड़ों नए यात्री हवाई सफर के यात्री होने वाले हैं। उड़ान योजना से भी इसमें बहुत मदद मिल रही है। अनुमान है कि आने वाले 10-15 वर्षों में भारत को करीब करीब 2000 से ज्यादा पैसेंजर और कार्गो एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी। अकेले भारत को 2000 एयरक्राफ्ट की जरूरत होना यानी यही बताता है कि विकास कितना तेजी से होने वाला है। इस बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए भारत अभी से तैयारी कर रहा है। आज का यह आयोजन भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों,
आज के इस आयोजन में विश्व के लिए भी एक संदेश है। आज भारत दुनिया के गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लेकर के आया है। कोरोना और युद्ध से बनी परिस्थितियों के बावजूद, सप्लाई चेन में रुकावटों के बावजूद, भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ मोमेंटम बना हुआ है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है, आज भारत में ऑपरेटिंग कंडीशंस लगातार सुधर रही। आज भारत में जोर कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर है, क्वालिटी पर भी है। आज भारत लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और हाई आउटपुट आउटकम का अवसर दे रहा है। आज भारत के पास स्किल मैन पावर का बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। बीते 8 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हमारी सरकार ने किए, उन्होंने भारत में मैन्युफैक्चरिंग का एक अभूतपूर्व एनवायरनमेंट तैयार कर दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जितना जोर आज भारत का है, उतना पहले कभी नहीं था। कॉरपोरेट टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना हो, उसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना हो, अनेक सेक्टर्स में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई का रास्ता खोलना हो, डिफेंस, माइनिंग, स्पेस जैसे सेक्टर्स को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलना हो, लेबर रिफॉर्म्स करना हो, 29 सेंट्रल लेबर लॉज को सिर्फ 4 कोड में बदलना हो, 33,000 उससे ज्यादा कंप्लायंसेस को खत्म करना हो, दर्जनों टैक्सेस के जाल को खत्म करके एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बनाना हो, भारत में आज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नई गाथा लिखी जा रही। इन रिफॉर्म्स का बड़ा फायदा हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही मिल रहा है, और क्षेत्र तो फायदा उठा ही रहे हैं। और साथियों, इस सफलता के पीछे एक और बड़ी वजह है, बल्कि मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी वजह है, वो है माइंडसेट में बदलाव, मानसिकता में बदलाव। हमारे यहां लंबे समय से सरकारें इसी माइंडसेट से चली कि सब कुछ सरकार ही जानती है,